पप्पा क्या बात है, सो मच, वाह वाह वाह। अरे पप्पा, आई एम टोटल डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड? इंप्रेस। मम्मी एकदम हैपनिंग आइडिया है। हाँ, बैठ जाइए प्रवीण भाई। अरे अभी क्या बैठने का पप्पा, आपने तो खाली थोट से ही है ना भल भलो को खड़ा कर दिया है। अभी देखना आप, मैं जमाई राजा तो क्या, जमाई राजा के बापा तक को है ना हला के रख दूंगा हलवे की तरह अपने अरेंजमेंट से। क्यों साले भाई? मुझे कोई डाउट नहीं है प्रवीण भाई। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम हिल जाए आपके अरेंजमेंट से। डोंट मेक टॉम फूलरी। अपने है ने जीजा जी से कोई ऐसा टाइम पास नहीं करता है। हाँ वो सब ठीक है प्रवीण भाई। हाँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि भाई म्यूजिक लाइव हो। तो लाइव ही होएगा ना पप्पा, डेट थोड़ी होएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है प्रवीण भाई कि वो बाजा बजाने वाले वही पार्टी में होने चाहिए। ओहो हो, वो कोई अहमदाबाद के लोग हैं, वो करसन भाई और फ्रेंड्स करके। करसन काणा? काणा यानी वो बाजा बजाता है या गोली चलाता है? पप्पा वो गरबा और डांडिया का एक्सपोर्ट है ना। हाँ वही वही। हाँ, उसकी एका खराब होने की वजह से उसके सारे फ्रेंड सर्कल में ने उसको करसन काणा करके बुलाते हैं। आप जानते हो उसे प्रवीण भाई? हम लोग ने एक ही कॉलोनी के अंदर रहते थे तो घर पे आना जाना रहता था। उसने तो मेरे को डायरेक्ट टेबल पे ऑफर भी रखा था कि मेरे बैंड में भर्ती हो जा, 10,000 rupees a नाइट का कवर। आपको करना क्या था वहाँ? सिंगिंग, गाता हूँ ना। वो तो बाथरूम में आप गाते हो उतना पता है मुझे। आपने तो मैरिज के पश्चात सुना होगा ना। हाँ, शादी के बाद गला वैसे भी थोड़ा बैठ जाता है। मेरे हिसाब से सिंगिंग और स्टमक का डायरेक्ट संबंध है, इसलिए मैं बाथरूम में गाता हूँ, आवाज खुल के निकलती है ना। हाँ, ओहो हो, चाइल्डहुड में मैं क्या गाता था, फॉक सॉन्ग्स ऑफ गुजरात। एक नमूना पेश करता हूं। ऊंचा ऊंचा डूगरा ने वच्चे बोले मोर, ने धंतन नाकतन धंतन नाकतन धंतन, हे ऊंचा ऊंचा डूगरा ने वच्चे बोले मो, अरे नाटक वाला उगी गया ना घगरा ली गया चोर मारो हेलो, हाँ भड़ो जी ओ जी मारो हेलो हे। अरे कॉलेज के इनसाइट में गर्ल्स क्या सॉलिड इंप्रेस थी। हाँ, मैंने तो चित्रा को फर्स्ट मीटिंग में सुना डाला था एकदम। यहाँ घर में गाया था आपने चित्रा के लिए? इनसाइड नहीं गाया था। आप लोग इनसाइड के जब इनसाइड गए थे ना, तो मैं इनसाइड से आउटसाइड गया था प्राइवेट टॉक्स के लिए। तो मैंने प्राइवेट सॉन्ग सुना डाला। चित्रा ने बोला कि गाने की जरूरत नहीं है, मैं शादी कर लेती हूँ। मतलब आपने पहली मीटिंग में उसे गाना भी सुना डाला? वाह वाह वाह, जवाई हो तो आप जैसा हो प्रवीण भाई। आई एम टोटली डिप्रेस्ड। इंप्रेस्ड। काजल भाभी, बड़ा भैया गया है। वो कहाँ जाने वाले थे? जो दुकान जाएंगे ना। हाँ, हम दोनों साथ ही जाते हैं दुकान। ओह डैम गुड, तो वो हैं? कुछ काम था उनसे। हाँ वो मैं अरे तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग बड़ा भैया। बॉस तुम्हारी मॉर्निंग होगी गुड, मेरी ना थी। प्रणव, बुरा लगा? हाँ देखो यार, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहो, मैं भी उसी सुर में जवाब दूं, कोई जरूरी नहीं। मैं जरा एक मिनट। मैं भी जरा एक मिनट। प्रणव भैया, आप जा रहे हैं ना दुकान? आप कहिए तो नहीं जाते, लेकिन क्या है कि आपकी तरह मैं टेलीफोन पे तो डील सेट कर नहीं सकता हूँ। क्या प्रणव भैया, आप भी, मैंने तो सुना एक बार आपने बातों में गेटवे ऑफ इंडिया तक भेज दिया था। आप अभी निकल रहे हैं? गाड़ी से जाएंगे, मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज? नहीं प्लीज प्रणव भैया, मैंने किसी को 11 बजे मिलने का बोला है, 10 तो यहीं बज गए हैं। तो घर पे क्या कर रहे हो भाई? हाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, निकलो, वक्त की हमेशा इज्जत करना सीखो प्लीज। दुकान के रास्ते में ही तो है यार। अब देख क्या है ना, पहले मैं काजल को उसकी दुकान पे छोड़ूंगा। नहीं खरीदी तुझे पता नहीं, उसके बाद फिर मैं अपनी दुकान पे जाऊंगा। अब ये पुरानी दुकान जो है, ये नई दुकान के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे तुझे चलना है तो तू चल, देखो गिरा दूंगा रास्ते में, आई ड्रॉप यू। बट हाँ पूरी आनंद ब्रेकफास्ट।
अरे आनंद, तुम अभी तक गए नहीं, 11 बजे का अपॉइंटमेंट था तुम्हारा। मैं नहीं जा रहा। क्यों? वो क्या ना भाभी, मुझे जहाँ जाना था वो आपकी दुकान के रास्ते में ही था, और जिस आदमी से मिलना था उसका घर भी उससे पहले था, तो मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे पिक कर लूंगा, मेरे पास कार है। बॉस, ये अपना मुंह ना जरा थोड़ा कम खुला करो। और दूसरा ये है कि ये पिकअप करने की आदत जो है छोड़ दो, बंबई है, समझा करो। तो ठीक है भाभी, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी नई दुकान भी देख लूंगा। शाम को फोटो ले आऊंगा, देख लेना। प्रणव वोरा, वोरा हाउस। प्रणव भैया, मनीषा बोल रही हूँ। हाय हाय। अरे तुझसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा मैं इस जहान में हूँ, वरना सुबह से तू लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गया हूँ यार। प्रणव भैया, क्या मैं आनंद से बात कर सकती हूँ? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तो क्या आनंद से की बात करनी है तेरे को? Are you all right? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं पक गया हूँ सुबह से यार, तुझे क्या बताऊँ, क्या कैरेक्टर है यार, तुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे तो बिल्कुल। He is impossible. I just can't stand him, man. तुझे क्या काम पड़ गया इससे? प्रणव भैया, मैंने मानव के कैसेट गिफ्ट किया था, कल रात को जब मैं बालकनी में खड़ी थी तो उस कैसेट की बजने की आवाज सुनाई दी। हाँ तो ये बजा रहा होगा ये बंदर। कल रात को मैंने उसे फोन करके कहा कि प्लीज कैसेट ना बजाए, लेकिन आज सुबह फिर से उस कैसेट की बजने की आवाज आई। अच्छा, तो एक काम कर, तुझे बात करने की जरूरत नहीं, मैं देख लेता उसको। हाँ, तू रिलैक्स कर बेटा। ओके थैंक्स प्रणव भैया, बाय। ओके टेक केयर। किसका फोन था? मनीषा का था। बस क्या प्रॉब्लम बताओ? हाँ, क्या तमीज वमीज को सीख के आए हो या नहीं आए हो बताओ तुम जरा। मानव का तुम्हें कमरा रहने के लिए दिया है, उसकी चीजों को हाथ मत लगाओ। कल समझाया था ना तुम्हें, म्यूजिक सुनना है अपने कैसेट लाओ, लगाओ, सुन लो, उसकी चीजों को हाथ मत लगाओ। भैया मैंने मनीषा को सॉरी बोल दिया था, मुझे पता नहीं था, वरना रात को सॉरी बोला, सुबह फिर कैसेट बजाया, अभी कैसेट वहां पे चलता छोड़ के आ रहे हो ना तुम। नहीं, मैंने दोबारा नहीं बजाया। आप कुछ सुन लीजिए, आपको आवाज आ रही है क्या? अब तक तो बज के बंद हो गया होगा ना कैसेट, वरना फोन क्यों करती, वो आवाज आई होगी तभी तो फोन किया। मैं सच कह रहा हूं। ओके आई एम सॉरी। हाय हाय करसन, अभी तू मेरे से रेट का बात करेगा? मेरे से बात चक्कर चल तू कर यार, मेरे साली बहन का एंगेज है, तू बोल वो। चू व्हाट, क्या? नो वे यार, नो वे यार, इस आदमी को पार्टी अरेंजमेंट देना ही नहीं चाहिए, वो दुकान चलाते हैं वही चलाए। करने दीजिए ना, जो कर रहे ठीक कर रहे। मैं तो कहता हूं इन्होंने बाजू वाले को अरेंज कर दिया, इतना ही पार्टी का डील दे रहा हूं, इतना तो कम कर यार। एक और सन काने, अभी पतंग मत चका, पतंग मत चका, काट दूंगा पेच तेरा, संक्रांत नहीं है समझा ने, पिंचोतेर इतने पिंचोतेर। अच्छा चल यार, मैं भी एक गाना गा देता हूं फ्री में। ओके बाय, सी यू। रोमिंग है ग्लोबल, अभी देख लो, अपने ही तारीख पे उसको 200 बजाने का था उधर, मैंने उसको बोला आया नहीं ने भाई, तो अहमदाबाद से डायरेक्ट उठवा लूंगा, मान गया, बोलो। थैंक यू प्रवीण भाई। अरे तू कब आया? अभी। जय श्री कृष्ण आंटी। हेलो अंकल। हाय आकाश। हेलो प्रवीण भाई, राजेश। हाय, आई एम राजेश, राजेश पटेल। इट्स द बॉय, या मायसेल्फ प्रवीण, प्रवीण शाह, ऑन हिज मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस। हैंडसम बॉय, छोटी के लिए एकदम फिट है, लिटिल वन के लिए। हाँ अरे मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में चित्रा से, मेरे को तो लगा कि भाई अभी इस एज में दूसरी वाइफ ढूंढने का किधर मौका नहीं आ जाए। अरे दीदी तो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकती है। तुम
तुमको कैसे मालूम? Are you sure? No, sir. I'm sure. I'm 100% sure. दीदी ने मुझे बताया, वो हर रोज प्रे करती है कि 7 जन्म तक आप जैसा हस्बैंड मिले। भाई यही सुनने के लिए तो 10 साल से मेरे कान तरस गए हैं दोस्त। ठीक है, तो इस बारी दीदी को आपके सामने बुलवाऊंगा। राजेश, खाना तो खा के जाओगे ना? उंधियो बनाया है। Wow, that is irresistible. अरे राजेश भाई, एंगेजमेंट में आपका ऐसा मैं बैंड बजाने वाला हूँ कि आप देखते रह जाएंगे। क्या है ना, अहमदाबाद का मेरा एक दोस्त है करसन काना, अभी उसने राजेश, मैं स्मृति को फोन करके आता हूँ। ओके। अरे पटेल सेठ आओ, है सोफा, आपसे तो बहुत बात करनी है। अभी मैंने क्या सोचा है ने कि अपना बिजनेस फैलाने का है। Excuse me, मैं आया अभी। आप बोलो क्या करना चाहिए। Well, ये तो डिपेंड करता है कि आप फिलहाल कौन से बिजनेस में हैं। ओह, इट्स डिपेंड। मेरा शॉप है डिपार्टमेंट स्टोर। आप बोलो ना मालिक, तो कोई भी आइटम में डील कर सकते हो अपन। हाँ माँ कसम, मैंने सुना है कि उधर इधर का जूना पुराना चीज माइंड ब्लोइंग बिकता है। छापम छाप है। यू टॉकिंग अबाउट एंटीक? पुराना दरवाजा, खिड़की, सांसी, तपेली, बर्तन, ऐसा सब। दैट्स नाइस, बट एंटीक के मार्केट के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो व्हाट कैन आई से? हाय आनंद। मनीषा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो कैसेट दोबारा नहीं बजाया। इट्स ओके आनंद, लेकिन मुझे कैसेट वापस चाहिए। आओ अंदर आओ। लेकिन तुम तो कह रही थी वो कैसेट तुमने मानव को गिफ्ट किया था। हाँ, मानव को, तुम्हें नहीं। मनीषा आई एम सॉरी, मैं कल रात को भी तुम्हें कह चुका हूँ आई एम सॉरी, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। मैं तुम्हें कुछ कहने को नहीं कह रही हूँ, तुम मुझे बस कैसेट वापस दे दो। सुबह प्रणव भैया से डांट खिलवा दी, तुम कम से कम मान तो रही हो कि मैंने वो कैसेट दोबारा नहीं बजाया। लेकिन वो तो एनीवेज, वो कैसेट तुम्हारी पसंद का है, इट इज टेरिफिक म्यूजिक। पता, मैं अपनी कलेक्शन में से एक दो कैसेट तुम्हें दूंगा। आनंद, मैं बहुत जल्दी में हूं, प्लीज। क्या तुम्हें भी मेरा यहां होना या आना पसंद नहीं? प्रणव भैया तो वैसे ही चिड़े हुए हैं। एक्चुअली जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो तलवार लिए हाथ में गुस्से से घर से बाहर निकल रहे थे। शायद तुम्हारे घर ही वो मामा जी तुम्हारे घर आए थे ना। सोचो दुश्मनी भी क्या चीज है, अच्छा खासा इंसान अपनी संतुलन खो बैठता है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में पता है? हाँ, पहले दादी से सुना था, फिर मामा जी से। मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तुम जहाँ मुझे मिली थी वहीं पर मेरी माँ ने आत्महत्या की थी। मैं तुम्हारा कैसेट लेकर आता हूं। मनीषा, तुम कब आई, बताया नहीं बेटा। हेलो आंटी, मैंने मानव को कैसेट दिया था, वो वापस लेने आई हूँ। तो आनंद गया लेने। क्या लोगी, आओ बैठो। नो थैंक यू आंटी। बैठो ना, आओ। आंटी याद है यहीं बैठ के आपने मुझसे कहा था? बेटा, माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते। हाँ, उनकी कुछ मजबूरियां जरूर होती हैं। मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मानव को, और मैं तो इस दुश्मनी को भी नहीं मानती। लेकिन आई अंडरस्टैंड आंटी, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, मानव हो या नहीं। मनीषा, एक बात पूछूं, तुम ये जो कर रही हो सोच समझ कर रही हो बेटा?
ने खुद ही हाँ की है इस शादी के लिए। क्या तुम लड़के को जानती हो? लेकिन तुम्हारी हाँ में सबकी खुशी है सिवाय तुम्हारे। अच्छा ही है ना आंटी, राजेश मुझसे बहुत प्यार करता है और फिर सबने मुझसे कहा है कि शादी में कभी कभी धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है। और मैं राजेश से नफरत तो नहीं करती, प्यार भी करने लगूंगी शायद। हानव के पापा तो गए भी थे तुम्हारे यहाँ, लेकिन बाबा कभी नहीं मानेंगे। आंटी बाबा की जान है मुझ में, अगर मैं शादी से इनकार कर भी दूं तो भी क्या होगा? मेरी हाँ में सिर्फ मेरा अपना दर्द है और वो भी एक दिन कम हो जाएगा। इतना सब कुछ सोच लिया और कुछ था ही नहीं सोचने को। है मनीषा, बहुत कुछ है। तुम्हारी एंगेजमेंट कब है? 2-3 हफ्ते बाद। मनीषा मैं एक बार राजेश से मिल सकती हूँ? क्यों आंटी? यूं ही एक बार उससे बात करने को जी चाहता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर ले आना किसी दिन यहाँ। आंटी मानव के यूं ही चले जाने से मैं हर्ट जरूर हूँ, लेकिन शायद उसने सही किया है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शायद मैं भी उसे भूल जाऊंगी। या मैं चलू? बाय आंटी। बाय बेटा। थैंक्स। बस थैंक्स। थोड़ा ढीला कर लेता हूँ राजेश भाई। आई लव उंदियो, बेस्ट डिश, फेवरेट। राजेश को भी बहुत पसंद है। हैं, पण आई आल्सो लाइक हिम बर्गर। हो आ, आप नॉनवेज खाते हैं? ए ना ना बापा, ओनली एग। प्रवीण भाई, हां उंदिया बापा फोन। हेलो। हां मिस्टर बिजभूषण झवेरी जी, मैं शिवरा पुलिस स्टेशन बोलता है, इंस्पेक्टर जाधव। हां आपने इधर एक मिसिंग का रिपोर्ट लिखा था मिस्टर नवीन झवेरी के नाम से। जी हां, क्या हुआ? क्या है कि एक बॉडी मिली है वापी से, इधर आकर आइडेंटिफाई कर लेने का, लेकिन हम लोग अभी श्योर नहीं है क्या उसके पास से जो भी सामान मिला है, जिससे पता चलता है कि वो आपके एरिया का था। फिर भी अगर आप एक बार आकर के देख ले तो अच्छा है। शू थे? मैं आ रहा। What is it, uncle? क्या हुआ? पापा, फोन किसका था? पुलिस स्टेशन से फोन था। उनको एक बॉडी मिली है वापिस। कह रहे थे आकर आइडेंटिफाई कर जाओ।